हेलो एवरीवन, माय नेम इज चंदन सिंह। गाइस, ये वीडियो हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन के लिए है। तो मैंने यहाँ पर एक छोटा सा हिंदी में पैसेज लिखा है जिसे हम ट्रांसलेट करेंगे, और यहाँ पर मैंने वो स्ट्रक्चर्स लिखे हैं जो इस पैसेज के अंदर आने वाले हैं, प्लस मैंने यहाँ पर 10 वोकैब्स भी डाले हैं, 10 वोकैबुलरीज हैं जो आप देख लीजिएगा। अभी मैं आपको सब कराऊंगा, समझाऊंगा, थोड़ा सा मैं ये आपको एक्सप्लेन कर दूं कि क्या है ये। देखिए गाइस, ये जो पैसेज है, यह लिखा है कि 7 लोग घायल हो गए जब एक बस सोमवार की रात को दादरी में एक छोटे ट्रक से टकरा गई। एक एक सेंटेंस कितना बड़ा है देख लीजिए। यह घटना उस वक्त घटी जब बस का ड्राइवर एक गाड़ी को ओवरटेक करने की कोशिश करते समय संतुलन खो बैठा। सेंटेंसेस कितने बड़े हैं। टक्कर के बाद बस सड़क किनारे स्थित एक अस्थाई भोजनालय को टक्कर मारती हुई एक गड्ढे में गिर गई। बस ड्राइवर को मामूली सी चोट आई, जबकि 7 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, उनमें से 4 की हालत गंभीर है। तो ये आपका पैसेज है। सेंटेंसेस बड़े हैं, क्लॉजेस लगे हुए हैं उसके अंदर, तो बस इसी को हम ट्रांसलेट करने वाले हैं। और इसमें जो वोकैब्स आने वाले हैं वो देख लेते हैं और स्ट्रक्चर्स देख लेते हैं गाइस। उसके बाद आप एक स्क्रीनशॉट ले लेना, फिर मैं इसे ट्रांसलेट करूंगा। चलिए सबसे पहले वोकैब्स की बात करते हैं। घायल, घायल को बोलते हैं इंजर्ड, आपको पता है, तो इंजर्ड हो गया। टकराने को हम कोलाइड विद बोलेंगे, वैसे हिट भी होता है, कोलाइड भी होता है, तो कोलाइड के साथ विद का इस्तेमाल होगा, टकराना। एक और टकराना है तो रैम का भी मतलब होता है टकराना, रैम इनटू, टकराना। तो मैंने 2 वर्ड्स लिखे हैं ताकि आप अलग अलग यूज करेंगे तो अच्छा लगेगा। तो रैम इनटू, टक्कर मारना, रैम इनटू। उसके बाद टक्कर को कहते हैं कोलिजन। अगर हम सिर्फ टक्कर की बात करें, एक्शन ना हो, तो सिर्फ कोलिजन, कोलिजन मतलब टक्कर। उसके बाद यहां लिखा है अस्थाई भोजनालय, तो अस्थाई भोजनालय के लिए मैंने यहां पर लिखा है मेक शिफ्ट ईटरी। ईटरी मतलब भोजनालय, ईटरी। मेक शिफ्ट का मतलब होता है जुगाड़ू, जो जुगाड़ उगाड़ पे कैसे भी बस हाँ भोजनालय लग रहा है, तो मेक शिफ्ट, नहीं तो टेम्पररी तो आप लगा ही सकते हैं टेम्पररी। वैसे मेक शिफ्ट का मतलब होता है जुगाड़ पे जो आपने बना लिया है वो मेक शिफ्ट कहलाता है। गड्ढे को पिट कहते हैं। गंभीर रूप से इसको बोलते हैं सीवियरली, सीवियर में ली कर दीजिए, सीवियरली गंभीर रूप से। मामूली को माइनर कह सकते हैं, जैसे मामूली चोट तो माइनर इंजरीज कह सकते हैं। गंभीर को क्रिटिकल, सीवियर भी कहते हैं, क्रिटिकल भी कहते हैं। और जैसे कोई घटना घटी तो उसको कहते हैं अंग्रेजी में, मतलब सेकंड फॉर्म में टुक प्लेस, फर्स्ट फॉर्म होता है टेक प्लेस, सेकंड हो जाएगा टुक प्लेस। तो ये वर्ड्स इसके अंदर आएंगे। अब देखते हैं स्ट्रक्चर्स। यहां पर सबसे पहला जो स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट प्लस गॉट प्लस एडजेक्टिव, और गॉट के बाद यहां जो एडजेक्टिव है, ये एडजेक्टिव V3 वाले भी एडजेक्टिव हो सकते हैं। जैसे कि अगर मैं बोलूं कि वो घायल हो गया, तो ही गॉट इंजर्ड, तो गॉट आपका पास्ट इंडेफिनिट सेकंड फॉर्म है। ही गॉट, गॉट यहां पर आपका मेन वर्ब का काम कर रहा है, और इंजर्ड, इंजर्ड क्या है, एडजेक्टिव है। ये लोगों को लगता है कि यार गॉट भी लगा रहा है और इंजर्ड भी लगा रहा है, इधर भी सेकंड है इधर भी थर्ड है, तो ये थर्ड नहीं तो एडजेक्टिव है, ही गॉट इंजर्ड। और ये गॉट कुछ नहीं, बस लिंकिंग वर्ब का काम कर रहा है, कोई एक्शन थोड़ी कर रहा है कि ऐसा कुछ कर दिया, ये हो गया, ही गॉट इंजर्ड, इस तरीके से। तो क्लियर है। इस पर एक दो एग्जांपल और दे सकते हैं, आई गॉट एक्साइटेड, ऐसे भी आई गॉट एक्साइटेड, और कुछ भी आप गॉट के बाद लगा सकते हैं। कुछ ऐसे एडजेक्टिव होंगे जो थर्ड फॉर्म में आपको दिखाई देने वाले हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो थर्ड फॉर्म नहीं, जैसे ही गॉट नर्वस, ऐसे भी कह सकते हैं। तो ये आप समझ लीजिए। तो एक ये स्ट्रक्चर हो गया। नेक्स्ट है पास्ट इंडेफिनिट है, सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म, ऑब्जेक्ट यानी कि जो भी हुआ वो पास्ट इंडेफिनिट है। मैं वहां गया, आई वेंट देयर, मैंने उसे चाटा मारा, आई स्लैप्ड हिम, ऐसे करके सेंटेंस बनेगा। नंबर थर्ड, वाइल के साथ वर्ब में आईएनजी लगा है, ऑब्जेक्ट यानी कि करते समय, जैसे खाते समय वाइल ईटिंग, जाते समय वाइल गोइंग, तो मैं कह सकता हूं कि टीवी देखते समय वाइल वॉचिंग टीवी, मैं खाना खा रहा था, आई वॉज ईटिंग फूड, तो वाइल का इस्तेमाल भी यहां पर हुआ है। अगला है वर्ब में आईएनजी है, कॉमा है, सेंटेंस है, इसे कहते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। अगर मैं कह दूं कि टक्कर मारता हुआ, तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल के अंदर हम कर देंगे इसको, यानी कि रैमिंग इनटू, आईएनजी लगा देंगे। दरवाजा खोलकर मैं अंदर गया, ओपनिंग द डोर, आई वेंट इनसाइड,
तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल में होता है गाइस। उसके बाद वेयर एज का इस्तेमाल किया गया, वेयर एज इसको बोलते हैं जबकि। अगर वेयर एज पे बोलूं कि मैं ग्रेजुएट हूं जबकि मेरी वाइफ एमबीए है, तो आई एम ग्रेजुएट वेयर एज माय वाइफ इज एन एमबीए, वो एक एमबीए है। तो ऐसे करके हम बात करते हैं। यहां पर है डैश 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 ऑफ देम, यानी कि मुझे बोलना है उनमें से कुछ, तो फ्यू ऑफ देम, सम ऑफ देम, उनमें से चार लोग, फोर ऑफ देम। तो ये स्ट्रक्चर्स इस्तेमाल हुए हैं, ये वर्ड्स में नहीं। और ये तो मैं हटता हूं और आप एक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं ट्रांसलेट करूंगा। ठीक है, तो चलिए ट्रांसलेट करते हैं दोस्तों। यहां लिखा है कि सात लोग घायल हो गए, तो पहले इसी को ट्रांसलेट करते हैं, सात लोग घायल हो गए। कैसे होगा? सात लोग, सेवन पीपल, घायल हो गए, ये गॉट वाला फॉर्मूला है जो मैंने आपको स्ट्रक्चर समझाया था, तो गॉट लगाइए, सेवन पीपल गॉट इंजर्ड, घायल हो गए, अभी फुल स्टॉप नहीं है। जब एक बस सोमवार की रात को दादरी में एक छोटे से ट्रक से टकरा गई, तो जब एक बस, यानी कि हमें इस जब को उठाना है वैन, और एक बस टकरा गई, बाकी तो बस बीच में ऐसे ही है, तो इसको पहले देखते हैं कि जब एक बस टकरा गई सोमवार की रात को दादरी में एक छोटे से ट्रक से, यानी कि जब एक बस एक छोटे से ट्रक से टकरा गई, पहले इतना बनाइए, जब एक बस, when a bus, टकरा गई मतलब collided with एक छोटे से ट्रक से, a mini truck। अब है सोमवार की रात और दादरी में, तो सोमवार की रात यानी कि on Monday night कह सकते हैं, तो on Monday night, मंडे नाइट दादरी में, इन दादरी, बस यहां पे फुल स्टॉप है। तो देखिए फिर से, सात लोग घायल हो गए, सेवन पीपल गॉट इंजर्ड, जब एक बस सोमवार की रात को दादरी में एक छोटे ट्रक से टकरा गई, तो व्हेन अ बस कोलाइडेड विद अ मिनी ट्रक ऑन मंडे नाइट इन दादरी, सोमवार की रात दादरी में। क्लियर है गाइस यहां तक? अब देखिए, यह घटना उस वक्त घटी जब बस का ड्राइवर एक गाड़ी को ओवरटेक करने की कोशिश करते समय संतुलन खो बैठा। तो यह घटना उस वक्त घटी जब, पहले इसको ट्रांसलेट करते, ये उस वक्त के लिए कुछ नहीं होगा, आप ऐसे कीजिए, यह घटना, दिस इंसिडेंट, घटी मतलब took place, take place मतलब घटना, मतलब किसी घटना को घट जाना, तो उसको take place कहते हैं, तो took उसका second हो जाएगा। तो this incident took place when, यहां when लगाइए, इसी में आपका उस वक्त और जब सब आ गया, यह घटना उस वक्त घटी जब, तो उस वक्त के लिए अलग से आपको at that time कहने की जरूरत नहीं है, this incident took place when, तो इसकी वही फीलिंग देगा ये कि दिस इंसिडेंट टुक प्लेस व्हेन, जब बस का ड्राइवर एक गाड़ी को ओवरटेक करने की कोशिश करते समय संतुलन खो बैठा। तो पहले संतुलन खो बैठा करते हैं, दिस इंसिडेंट टुक प्लेस व्हेन बस का ड्राइवर, द बस ड्राइवर संतुलन खो बैठा, lost the balance हो गया, संतुलन खो बैठा। आप क्या करते समय, हमारा हो गया यह घटना उस वक्त घटी जब, यह भी हो गया, बस का ड्राइवर और संतुलन खो बैठा, यह भी हो गया, बचा क्या, एक गाड़ी को ओवरटेक करने की कोशिश करते समय, यही है ना, वाइल आपने सीखा था ना, खाते समय पीते समय वाइल, तो वाइल लगाइए, फुल स्टॉप मत दीजिए, वाइल लगा दीजिए, वाइल कोशिश है ना, तो ट्राइंग, वाइल ट्राइंग टू, ओवरटेक है ना, ओवरटेक
एक गाड़ी को ओवरटेक करने, तो ट्राइंग करने की कोशिश, तो ट्राइंग टू ओवरटेक अ व्हीकल, फुल स्टॉप। देखते हैं, तो यह घटना उस वक्त घटी जब बस का ड्राइवर एक गाड़ी को ओवरटेक करने की कोशिश करते समय संतुलन खो बैठा। दिस इंसिडेंट टुक प्लेस व्हेन द बस ड्राइवर लॉस्ट द बैलेंस व्हाइल ट्राइंग टू ओवरटेक अ व्हीकल। क्लियर है गाइस? व्हाइल से ही हो गया ना, कि व्हाइल ट्राइंग टू ओवरटेक अ व्हीकल, यानी कि एक गाड़ी को ओवरटेक करने की कोशिश, ट्राइंग टू ओवरटेक में ओवरटेक करने की कोशिश, और करते समय मतलब व्हाइल। क्लियर है गाइस? आप वीडियो को पूरा ही देखिए, कई बार ऐसा होता है ना कि अच्छा यार हटना, बहुत लंबी वीडियो है, ऐसा नहीं सोचना चाहिए, सीखना है कंप्लीट देखिए गाइस, बीच में छोड़ देंगे अधूरा रह जाएगा। चलिए यहां तक हो गया, अब आते हैं यहां। टक्कर के बाद बस सड़क किनारे स्थित एक अस्थायी भोजनालय को टक्कर मारती हुई गड्ढे में गिर गई। तो देखते हैं कैसे होगा, टक्कर के बाद, इसको तो आफ्टर कोलिजन बना देंगे आप, टक्कर के बाद, आफ्टर कोलिजन, कोलिजन, आफ्टर कोलिजन कॉमा, टक्कर के बाद बस, तो यहां पर है कि टक्कर मारती हुई, हमें प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज करना है, तो हम लिख सकते हैं आफ्टर कोलिजन द बस। अब यहां एक कॉमा देख के आप प्रेजेंट पार्टिसिपल लगा सकते हैं, द बस, अब टक्कर मारती हुई है ना, टक्कर मारती हुई, सीधा आईएनजी लगाइए, रैम मतलब टक्कर मारना है, तो रैमिंग, रैमिंग इनटू द बस, रैमिंग इनटू, इस रैमिंग इनटू का मतलब है कि बस टक्कर मारती हुई, समझ रहे हैं? एक ही सब्जेक्ट जब दो काम करे एक ही वक्त में, वो प्रेजेंट पार्टिसिपल वाला आपने पढ़ा होगा, तो द बस रैमिंग इनटू, वो मारती हुई, टक्कर मारती हुई, किसको टक्कर मारती हुई, रैमिंग इनटू, सड़क किनारे स्थित एक अस्थायी भोजनालय, तो ये आपका पूरा एक नाउन फ्रेज है, सड़क किनारे स्थित, तो उसको रोड साइड कह सकते हैं, रोड साइड, और अस्थायी है तो मेकशिफ्ट, रोड साइड मेकशिफ्ट भोजनालय, ईटरी। देख रहे हैं, ये पूरा एक आपका नाउन फ्रेज है ये, क्योंकि रैम इनटू किसको टक्कर मारा, तो किसी चीज को मारा ना, तो उस चीज एक छोटा नाम भी हो सकता था, और अगर कई वर्ड मिल जाएंगे तो वही नाउन आपका नाउन फ्रेज हो जाता है, फ्रेज और क्लॉज ये तो जानना है दोस्तों। तो देखिए, द बस रैमिंग इनटू अ लगा दीजिए, रैमिंग इनटू अ रोड साइड मेकशिफ्ट इटरी, इसका मतलब हो गया है बस टक्कर मारती हुई इस इटरी को, भोजनालय को, एक गड्ढे में गिर गई। अब यहां एक कॉमा लगा दीजिए ताकि ये क्लियर हो जाए कि ये हमने एक प्रेजेंट पार्टिसिपल लगाया है, गिर गई, फेल मतलब फॉल से फेल हुआ, तो फेल इनटू अ डिच या पिट कह लीजिए गड्ढे को, चलो पिट लिख देता हूं, इनटू अ पिट, एक गड्ढे में गिर गई, फुल स्टॉप। अब देख रहे हैं आफ्टर कोलिजन, सेंटेंस कितना छोटा है, द बस फेल इनटू अ पिट, बस गड्ढे में गिर गई, कॉमा देखिए, लेकिन इस कॉमा के बाद ये जो देख रहे हैं ना, पार्टिसिपल फ्रेज हो गया ये, रैमिंग इनटू अ रोड साइड मेकशिफ्ट इटरी, यहां से लेके यहां तक ये पूरा एक पार्टिसिपल फ्रेज कहलाता है। सिर्फ मैं इसको देखूंगा और रोड साइड मेकशिफ्ट इटरी नाउन फ्रेज है, लेकिन भी पार्टिसिपल से लेकर यहां तक देखूंगा तो पार्टिसिपल फ्रेज है ये दोस्तों। तो क्लियर है, अब आगे पढ़ते हैं। हां जी, गड्ढे में गिर गई। अब है कि बस ड्राइवर को मामूली सी चोट आई, जबकि, जबकि मतलब वेयर एज, वाइल भी कई लोग लगाते हैं, वेयर एज भी लगा सकते हैं। तो चलो पहले इसको देखते हैं कि बस ड्राइवर को मामूली सी चोट आई, बस ड्राइवर, द लगा दीजिए, द बस ड्राइवर, चोट आई, तो यहां भी आप गॉट लगा सकते हैं, और रिसीव्ड भी, न्यूज़पेपर वगैरह में तो रिसीव्ड लगाते हैं, चलो रिसीव्ड लिख के देखते हैं, द बस ड्राइवर रिसीव्ड, रिसीव्ड मामूली सी, माइनर इंजरी भी कह सकते हैं, इंजरीज भी कह सकते हैं, तो चलो इंजरी कर देते हैं, द बस ड्राइवर रिसीव्ड माइनर इंजरी, इंजरीज मतलब जगह 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 चोट आई, ऐसे चोट आई होगी तो कई जगह आई होगी ना, इंजरीज कर देते हैं, माइनर इंजरीज, जबकि सात लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जबकि, अब ये जबकि मतलब कॉन्ट्रास्ट दिखाता है, उल्टा दिखाता है, अपोजिट, तो वाइल से भी हम कॉन्ट्रास्ट दिखा सकते हैं, न्यूज़पेपर तो वाइल से ही दिखाता है, हम यहां पर
वेयर एज से दिखा देते हैं क्योंकि वेयर एज भी इसीलिए बना है. द बस ड्राइवर रिसीव्ड माइनर इंजरीज वेयर एज 7 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. सेवन पीपल घायल हो गए. गॉट इंजर्ड. गंभीर रूप से कौन सा वर्ड था? सीवियरली. आई थिंक यही स्पेलिंग है. सीवियरली घायल हो गए फुल स्टॉप. तो समझ में आ रहा है दोस्तों? फिर से एक बार देख लेते हैं. बस ड्राइवर को मामूली सी चोट आई. द बस ड्राइवर रिसीव्ड माइनर इंजरीज. जबकि 7 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. 7 पीपल गॉट इंजर्ड सीवियरली. उनमें से 4 की हालत गंभीर है. उनमें से 4, तो सीधा 4 उठाइए. 4 ऑफ देम हो गया ना. उनमें से 4, उनमें से कुछ होता तो फ्यू ऑफ देम, सम ऑफ देम. तो 4 ऑफ देम की हालत गंभीर है. है तो है मतलब प्रेजेंट में कैसे दिखाएंगे? 4 ऑफ देम आर क्रिटिकल कर दीजिए. क्रिटिकल. फिर इसमें हालत का कोई कंडीशन कहने की जरूरत नहीं है. सीधा 4 ऑफ देम आर क्रिटिकल मतलब उनकी हालत गंभीर है. नहीं तो द कंडीशन ऑफ 4 ऑफ देम इज स्टिल क्रिटिकल. कई लंबे सेंटेंस हो सकते हैं. सिंपल है, 4 ऑफ देम आर क्रिटिकल यानी कि उनमें से 4 की हालत गंभीर है. तो अब मैं फिर से एक बार पढ़ के सुनाता हूँ गाइस, फिर इसको फिनिश करते हैं. तो देख लीजिए, सिर्फ इंग्लिश पढ़ता हूँ कि 7 पीपल गॉट इंजर्ड व्हेन अ बस कोलाइडेड विद अ मिनी ट्रक ऑन मंडे नाइट इन दादरी. दिस इंसिडेंट टुक प्लेस व्हेन द बस ड्राइवर लॉस्ट द बैलेंस व्हाइल ट्राइंग टू ओवरटेक अ व्हीकल. आफ्टर कोलिजन द बस ramming into a roadside makeshift eatery fell into a pit. The bus driver received minor injuries whereas 7 people got injured severely. 4 of them are critical. Clear hai dosto? To yahi aapka Hindi to English translation. Aise videos mein lata rahunga. To aaj ke liye bas itna hai dosto. Milte hain agle video mein. Till then take care, keep practicing and have fun. Agar aap chahein to iska ek screenshot le sakte hain friends. Thank you guys. Thank you.